हरिद्वार लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार की पत्नी सोनिया शर्मा ने ब्रह्मपुरी रावली मैदूद में पहुंचकर लोगों से जनसंपर्क कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। शुक्रवार दोपहर बाद निर्दलीय लोकसभा प्रत्याशी उमेश कुमार की पत्नी सोनिया शर्मा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ ब्रह्मपुरी में निहाल सिंह पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। तो पूरा ही विधायक जी के साथ ही खानपुर में जिस तरह के काम किए हैं उनसे काफ़ी खुश हैं लोग, और हम भी भविष्य में यही कामना करते हैं कि भाई जिस तरह से वहाँ हुआ वहीं हरिद्वार जिला भी इस तरह से मैनेज हो विधायक जी के हाथ में। यार पिछले का कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हमें कोई ऐसा कोई बेनिफिट कभी दिखाई नहीं दिया। मैं मिला तो नहीं हूँ, मिलने का मौका तो जब मिला जब हमारे किसी प्रस्ताव पर यहाँ कभी आने की उन्होंने कष्ट किया हो। जिस तरह हमने शुरुआत की थी जय खानपुर विधानसभा से शुरुआत की थी, तो उस समय खानपुर में हमें लगा था कि बहुत कम लोग, एक लिमिटेड लोग हमारे से जुड़े हुए थे, परंतु दो साल में इतनी बड़ी लोकप्रियता हो गई, इतनी ज़्यादा पहचान हो गई उमेश कुमार जी की कि अब लोकसभा चुनाव में हमें बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है और हर विधानसभा से हर गाँव से लोग जुड़ चुके हैं उमेश कुमार। देखिए अहंकार वाली बात हम तो कर नहीं सकते हैं, हम तो जनता पे डिपेंड हैं और जनता जितना वोट देगी वो सामने आ ही जाएगा कुछ समय बाद। मेन मुद्दा जो उत्तराखंड में जो प्रॉब्लम है, मेन रोजगार की जैसे प्रॉब्लम है हमारे, जैसे खानपुर में अभी सिडकुल की स्थापना की हुई है, उसी प्रकार हर विधानसभा के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा जो लोकसभा क्षेत्र में आती हैं उनमें रोज़गार की सबसे पहले कोशिश की जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दिलवाया जाए जो, और जो उत्तराखंड के लोग हैं उन्हें 70% उत्तराखंड में रोज़गार दिया जाए, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं करेंगे।